सीबी बोर्ड से चैप्टर नंबर 4 लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश में जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं या हमारे देश में जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस का संग्रह है, किस किस महान ऑथर ने, पोएट ने यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस में जो भी अपना ज्ञान दिया है, तो उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। Man took help of expressions, symbols, drawings and sounds to communicate his thoughts, ideas, feelings and emotions to other. इंसानों ने expression के द्वारा, symbols के द्वारा, drawings के, sound के, music के, अलग अलग तरीके से अपने emotions को, जो भी उनके अंदर खुशी है, दुख है, कोई भी बात को एक दूसरे को express करने के लिए तरीके ढूंढ रखे हैं। This led to invention of dialects and scripts. और इन्हीं के चलते जो डायलैक्ट्स होते हैं, जो भी हम लिखते हैं, स्क्रिप्ट हो या कोई भी चीज़, तो इन्हें डायलैक्ट्स कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन कंजर्वेशन कम्युनिकेशन के लिए जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं, तो इन सारी चीज़ों की रचनाएं हुई। दिस स्क्रिप्ट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, और तभी जाकर हमारी वोकैबुलरी अच्छी हुई, हमारी ग्लॉसरी अच्छी हुई और हमने लैंग्वेज को डेवलप किया। Over a period of time, language was being used for expression of thoughts. The constructive use of language led to creation of literature. और यही constructive जो हमने सोचा कि यार हमें और अच्छे से अच्छे thoughts को लोगों तक पहुंचाना है, लोगों तक हमारी बातों को फैलाना है, तो फिर हम लोगों ने लिटरेचर का कहते हैं ना इनोवेट किया इसे। फ्रॉम एंशियंट टाइम इंडियन लिटरेचर इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी एंड यूनिकनेस। इंडियन स्कॉलर्स डिवाइडेड एंशियंट लिटरेचर इनटू वैदिक एंड क्लासिकल लिटरेचर। बिसाइड्स दिस सम फॉक लिटरेचर वॉज ऑल्सो पॉपुलर। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फॉक यानी गाँव खेड़े के जो भी कुछ कम्युनिटी के पर्टिकुलर फॉक के लिटरेचर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये याद रखिएगा बच्चों, वैदिक एंड क्लासिकल लिटरेचर में बांट दिया गया है एंशियंट लिटरेचर को। अब लैंग्वेज एंड लिटरेचर को समझते हैं, लैंग्वेज और उसमें की गई कारीगरी को। If we quickly look at the history, we can see an emergence of variety of languages since centuries. These languages influenced one another and it resulted in development of literature. बच्चों महान महान राइटर्स आए, पोएट आए, उन्होंने एक दूसरे को रचनाएं करने के लिए मजबूर कर दिया। इतनी अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस के अंदर वैरायटी लेकर आए, और इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करना, एक दूसरे को प्रभावित किया, और जिसके कारण लिटरेचर में क्या हो गई, डेवलपमेंट हो गई। एज अ रिजल्ट सम न्यू लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर हैव डेवलप्ड एंड फ्लरिश्ड। और इसी के चलते नई नई भाषाएं बनी, नए नए लिटरेचर आए और वो डेवलप हुए, फ्लरिश्ड हुए, यानी हर जगह पर उन्होंने अपना परचम लहराया। The best example of this is Sanskrit language. Sanskrit language is less in use in present time, but religious ceremonies and worshipping rituals are dealt in Sanskrit language. तो बच्चों संस्कृत जो एक भाषा है, ये बहुत ही अपने आप में एक महान भाषा है, जो पहले के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ होती थी। संस्कृत लैंग्वेज जानने वालों को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे कि ब्राह्मिन्स। और कोई भी शुभ काम होता है, सेरेमनी होता है, कोई प्रसंग होता है, या भगवान की पूजा अर्चना होती है, जो भी रीति रिवाज होते हैं, वो संस्कृत भाषा में ही किए जाते हैं। जनरली लैंग्वेज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द ह्यूमंस फॉर बेटर एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चों आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर आपको उस जगह की भाषा नहीं आती होगी तो आपको बड़ी तकलीफ पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग में, आप सामने वाली पर्सन को समझा नहीं पाओगे आप क्या कहना चाहते हो। तो लैंग्वेज हमें वो रास्ता देती है, वो जरिया देती है, जब हम किसी से भी अपने मन की बात कर सकें और काफ़ी अच्छे से उसे समझा सकें। इंडियाज मोस्ट एंशियंट स्क्रिप्ट इज दैट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन विच हैज़ नॉट बीन डिसिफर्ड एंड सो वी हैव नॉट ऑब्टेन मच इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर लैंग्वेजेस। तो हरप्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट सबसे पुरानी है, लेकिन अभी हमारे पास में ना वो लैंग्वेज है, ना उनको कोई जानने वाला है, तो हम उस लैंग्वेज के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। महर्षि पाणिनि वॉज अ ग्रेट संस्कृत ग्रामरियन। तो जिन्होंने बच्चों ग्रामर बनाया, बिना ग्रामर के आप सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो संस्कृत के ग्रामर के लिए महर्षि पाणिनि का नाम आप बिल्कुल भी मत भूलना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, MCQs में आते हैं। The most important book of this time is Maharshi Panini Ashtadhyayi, which is a noteworthy book of Sanskrit grammar of 4th century. तो ये 4th century की बहुत ही important book थी grammar की।
संस्कृत ग्रामर की, संस्कृत इज कंसीडर्ड द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस। तो आर्यन जो थे, जिनको हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, एंशियंट हमारे एंसेस्टर्स, उनकी लैंग्वेज मानी जाती है। लैंग्वेज ऑफ सेजेस और लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स, साधुओं की भाषा समझ लो या महान लोगों की भाषा समझ लो। इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल द इंटरनेशनल लेवल दैट संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर द कंप्यूटर यूज। और संस्कृत बहुत ही बेस्ट लैंग्वेज है, चाहे आप कंप्यूटर के यूज़ के लिए भी कह लो। संस्कृत वॉज द चीफ लैंग्वेज फॉर नॉलेज, साइंस, रिलीजियन एंड फिलोसफी। ज्ञान की बात करनी हो, धर्म की बात करनी हो, विज्ञान की बात करनी हो या नॉलेज की, इन सब की बात करनी हो, तो संस्कृत सबसे चीफ लैंग्वेज मानी